ये लगा ना एक बार फोन करे, हम लोग कितना फोन कर रहे थे इसको भाई, 10 किलोमीटर आगे गया इंटरकॉम नहीं था ना इसके लिए, अबे आगे गया वो ठीक है, फिर से पीछे एकदम पीछे गया 5 किलोमीटर पीछे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी बजे हैं 7 और हम जा रहे हैं दमन। तो हम लोग 3 लोग हैं, एक तो अपना जहीर भाई है और एक मेरा दोस्त भी आ रहा है, अभी आने के बाद उससे मिलाऊंगा आपको। तो यहाँ से दमन जो है वो लगभग 160 किलोमीटर है, और वही चलते हैं। तो पहला हमारा स्टॉप होगा फाउंटेन होटल, वहाँ पे वहीं पे हमें जहर मिलेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता पानी करके हम लोग आगे निकलेंगे। तो अभी मैं हूँ मुलुन शेख नाका, यहाँ पे मेरा दोस्त आ रहा है, उसी का वेट कर रहा हूँ मैं, वो भांड में 5-10 मिनट में पहुँच जाएगा इधर। अभी देखो 6:56 हो गए, बहुत लेट हो गया, 6:30 बजे निकलना था हम लोग को, 7 बजे इधर ही। एनीवेज बताऊँ, ये देखो अपना भाई अभी ब्लॉगिंग कर रहा है, इसका भी अपना चैनल है, क्या नाम रखा तुमने? ट्रैवल एक्सट्रीम। हाँ भाई ने नया चैनल खोला है, ट्रैवल एक्सट्रीम सब्सक्राइब करो। अभी हम लोग ये फाउंटेन होटल के इधर यहाँ पे रुके, थोड़ा सा ये जो इंटरकॉम है, हम लोगों ने ये नया इंटरकॉम लिया है, यही एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे थे। ये एक्चुअली ये राइड जो है इसका पर्पज ये है कि जस्ट देखना है कि इंटरकॉम किस तरह से परफॉर्म करता है, तो चलते देखते हैं। अभी इंटरकॉम कनेक्ट हो गया, अभी चाय भी हो गया हम लोग का, अभी इधर से निकलते हैं अपन, रेडी ना? और हमारे साथ स्नेज भी है, फर्स्ट टाइम राइड कर रहा है अपने साथ, फर्स्ट टाइम। हाँ चलो, पहले से बहुत लेट हो चुके, अभी बजे 8 बजने को आया ना ऑलमोस्ट, हाँ 8 बज गया, तो निकलते हैं अभी और 160 किलोमीटर बाकी है, 130 किलोमीटर। चलो तो अभी निकलते हैं। ये जो ग्लव्स आप देख रहे हैं मेरे नहीं है, एक्चुअली मेरे ग्लव्स कदर गुम हो गए मुझे पता नहीं, तो ये जहर बार से लिए मैंने, क्या करे उधार की जिंदगी जी रहा हूँ अभी मैं। हाँ आएगा ना भाई, क्या डन डन। चलो दोस्तों, ये रेड रेड क्या है रही है भाई, रेड रेड बुरा। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि ये जो अभी का राइड जो चल रहा है एक्चुअली एक टेस्ट राइड है, क्योंकि हम लोग आगे जनवरी में एक बड़ा राइड करने वाले हैं, कम से कम एक हफ्ते का बहुत बड़ा राइड है, कुछ 1000-1200 किलोमीटर का, तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा टेस्टिंग कर रहे हैं। मेरा मैं भी जरा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी एक लगाऊंगा एक कैमरा, देखेंगे कैसे व्यूज आते हैं वगैरह, और उस हिसाब से फिर आगे उस जर्नी पे हम लोग बहुत कुछ ट्राई करेंगे, आपको बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा, मज़ा आएगा। हाँ चल चल, तो हम लोग अभी 80-90 के स्पीड में और इंटरकॉम इज वर्क्स फाइन, आवाज आ रहा है ना अच्छे से? मैं मी टू, अच्छा है, परफेक्ट एकदम। चल आगे चल आगे चल, तो हम लोग इस पोर्शन में जा रहे हैं, मेरे आगे रहे, मैं एकदम लास्ट में हूँ, टेल आई एम अ टेल, जो लीड कर रहा है अपना जहर भाई कर रहे हैं, और बीच में स्नेच को रखा है, मैं और जय इंटरकॉम से कनेक्टेड है और मस्त बातें करता करता जा रहा है यार, इंटरकॉम का यही मजा है यार। ओके तो हम लोग अभी नाश्ता करने के लिए यहाँ पे आगे जाके रुक रहे हैं होटल में, कामत नरे कामत विठल कामत, यहाँ पे जबरदस्त नाश्ता मिलता है, तो यहाँ पे रुको नाश्ता करो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अपनी जर्नी थोड़ी सी बड़ी है।
सही। तो अभी हम बैठे हैं विट्ठल कामत होटल में, हम लोगों ने यहाँ पे पोहे मंगवाया है, मेंदू वड़ा और एक बटाटा वड़ा, बस खाएंगे। देर भाई कैसी चल रही है व्लॉगिंग, कैसी चल रही है? अरे मज़ा आ रहा है, न्यू व्लॉगर है अपने, चलो अभी खाते हैं अपनी घर पर। A few moments later. नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, अभी निकल रहे। मैंने एक थोड़ा सा अलग एंगल लेने का सोच रहा हूँ, ये यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, ये एंगल लगाया नया, देखते अभी इससे क्या होता है, अलग अलग एंगल ट्राई करने वाले इस टाइम। आई होप यू लाइक इट। कैसा था खाना? खाना अच्छा था यार, मस्त है ना? थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी, फूड क्वालिटी इज ऑसम। आओ इधर खाना खाओ और आगे बढ़ो, चलते हैं फिर। हो गया सब, लेट्स गो। सो होप आपको ये एंगल अच्छा लगता होगा। अरे बाप रे, मैं तेरा हैंड ग्लव्स पहना ही नहीं था बे, अच्छा गिरा नहीं। यार सच में यार, भूलने की बहुत गंदी आदत है मेरे को सच में। हाँ आ जा, जा जा। सो उन दोनों का वेट कर रहा हूँ मैं, होटल से अभी भी निकले, अभी बजे है 10:15, बहुत टाइम हो इधर रुके हम, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हम लोग यहाँ पे वेट किया सब लोग का, मतलब हम लोग ने 45 मिनट्स है सबका इधर टाइम पास हुआ। अभी डायरेक्टली रुकेंगे गुजरात के बॉर्डर पे, ओके तो गुजरात के बॉर्डर पे रुक के वही पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे, फोटो वगैरह निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मज़ा आ रहा है राइड को, स्नेश को भी मज़ा आ रहा है, वो भी बोल रहा है पहली बार उस वो गाड़ी चला रहा है और ऑलमोस्ट वो क्रॉस कर रहा है 150 एंड अबव। तो अभी हाईवे ख़त्म हो गया, ये जो मेन हाईवे जहाँ से हम लोग अंदर आ गए, जहाँ से अभी अंदर जाएंगे हम लोग दमन। एक्चुअली स्नेच जो है वो आगे चला गया, उसको समझा ही नहीं, 10 किलोमीटर आगे गए वापी तक। अभी उसको आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तो यहाँ पे पीछे चाय वगैरह हम लोग पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और आधा एक घंटा। अभी कितने अभी बजे 11:45, 11:45 बजे आ गए भाई साहब, वापी जाके आ गए वापी। 20 किलोमीटर के बाद चल लेना, ये भी मुझे ऐसे ही लगा, ये लगा नहीं, एक बार फोन करे हम लोग, कितना फोन कर रहे थे इसको भाई, 10 किलोमीटर आगे गया। इंटरकॉम की गलती की वजह से, इंटरकॉम नहीं था ना इसके लिए, अबे आगे गया वो ठीक है, फिर से पीछे एकदम पीछे गया 5 किलोमीटर पीछे। मेरे को बोला भाई तू हाईवे पे रुक, वो बंदा फिर से आगे जाएगा नहीं तो, मेरे को पकड़ के लाया इधर। अच्छा अच्छा चलो अभी चाय भी थोड़ी चाय पीना रे, ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं और बाद में निकलते हैं अपन। तो भाई ने अपने के लिए ये लाया स्नेश ने डीमार्ट से हाँ मस्त है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अटक गई गाड़ी इधर, चलो आगे एक रेल का फाटक है उसी के लिए ये पूरा लाइन लगी है। मेरे को ट्रेन जा रही है भाई, ओ कम से कम आधा घंटा लगेगा और ऐसा गूगल माता बता रही है। चलो खुल गया फाटक, लेट्स गो। 12:38 ये जरा 10 मिनट का आगे घड़ी मेरा गाड़ी का, पर अभी 12:30 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गया रे, इस टाइम पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए था। ये रोड जो है ना, मतलब ये पूरा ये इस साइड में रोड्स अलग ही लेवल के, मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, भगा बस खड्डे बिट्टे आपको नहीं दिखेंगे बीच में कभी। ओके 16 किलोमीटर हो गया यहाँ से लगभग, यहाँ पे कुछ चेकिंग चल रही है इधर,
अच्छा 14 से 16 किलोमीटर। हाँ हमेशा रहते क्या यहाँ पे? यहाँ के ओके तो यहाँ पे पुलिस की चेकिंग रहती है हर बार सूत्रों के अनुसार। ओके दारू वगैरह बोल रहा है क्या या क्या क्या कुछ अलग दारू ओके इसके लिए चेकिंग होती है। ओके सस्ता है ओके हाँ हाँ दमन में दारू सस्ती है मित्रों सबको ही पता है वो ऐसे वैसे तो शायद इसी के लिए चेकिंग है। तो वो हम लोग पहुंच गए। अबे ये क्या कुत्ते कर रहे भेंडी। हाँ ना भाई तेरे ऊपर एक चढ़ रहा था भाई। हाँ फिर और अरे गड्ढे गड्ढे इधर। हो गाड़ी स्लिप हो रहा है मेरा। तो हम लोग अभी पहुंच गए जमपुर बीच। यहाँ पे देखो जबरदस्त नज़ारा है।